गाड़ी खराब हो गया? जी हाँ। इतना अच्छा छोकरी लेके घूमता है, खटारा गाड़ी काहे को रखता है? नया गाड़ी ले आओ। लिफ्ट देंगे या नहीं? हम फुल फैमिली के साथ पूना जा रहा है, तुमको किधर जाने का है? लोनावला। हाँ, लेकिन सिटिंग में जगह नहीं है। स्टैंडिंग ले जाओगे क्या? नहीं, तुम दोनों में से किसी एक को गोद में बिठा के लेके जाएगा, लेकिन तुम्हारा थोड़ा वजन ज्यादा है, हमारा गोद टूट जाएगा। पर मैं कैसे बैठ सकती हूँ उसकी गोद में? उसकी शक्ल तो देख, तेरे बाप की उम्र का आदमी है। यू जस्ट गो, आई विल कम, डोंट वरी, प्लीज गो। ओके। आराम से बैठो। बाय बाय। इनका ध्यान रखना। चिंता मत करो, चिंता मत करो। मरी गए हो रे? नहीं नहीं नहीं, तुम इधर नहीं, ऐसा करो तुम आगे बैठ जाओ। डॉली डार्लिंग, तुम पीछे आओ, इसको आगे बैठने दो। बैठो बैठो, इधर बैठो। अरे इतना जोर से धक्का मारती है, धनसा खा के पारे की माफी हो गई है। क्यों बाबा जी, जोर की पड़ी ना? बहुत जोर का था, मालूम नहीं किसे मारा इसने। लिफ्ट? या लोनावला? यस। बैठो। थैंक यू वेरी मच। तुम अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी पे जा रहे हो? तुम्हें कैसे पता? मैं तो तुम्हारे दोस्त का नाम भी जानता हूं, अतुल। आखिर तुम हो कौन? मैं एक अनजान यात्री हूं जिसके साथ तुम आखिरी सफर कर रहे हो। अनजान यात्री, आखिरी सफर? मैं कुछ समझा नहीं। तुम जानना चाहते हो?
सोचो साहब, ये सब इसकी मौत किसी एक्सीडेंट की वजह से नहीं हुई है। इसका कत्ल हुआ, he's been brutally murdered। इसकी गर्दन पर मोटरसाइकिल के टायर के निशान है। आसपास के इलाके में हमारे क्लोज सर्किट कैमरास भी लगे हुए हैं, लेकिन अजीब बात तो यह है कि वहां से कोई मोटरसाइकिल गुजरी नहीं। कातिल जो भी है बहुत शातिर है, but don't worry, we'll get him। Stop it! बंद करो ये नाच गाना। क्या हुआ विजय, रंग में भंग क्यों डाल रहे हो? क्योंकि तुम्हारे बीच राजेश और मदन का हत्यारा मौजूद है, जिसने अभी अभी विक्टर का कत्ल किया है। कैसी बात कर रहे हो विजय, विक्टर तो यहाँ खड़ा हुआ है, फिर उसका कत्ल कैसे हो सकता है? वो विक्टर नहीं, विक्टर का कातिल। विजय, विजय संभाल अपने आप को। अकेले हो यू बॉस। विजय बाजी, जिसके साथ तुम नाच रहे हो ना, वो विक्टर का मर्डरर है, बिलीव मी यू गॉट। अरे वो नहीं है वो। ये विक्टर नहीं है तो और कौन है विजय? ये वो इच्छाधारी नौक है जिसने विक्टर का खून किया। मैं अभी हाईवे पर उसकी लाश देख कर आ रहा हूँ। आई विल किल दिस बास्टर्ड। मैं तुम्हारी चाल समझ चुका हूँ विजय, तुम मेरे दोस्तों को बहका कर मेरी जान लेना चाहते हो, क्योंकि इच्छाधारी नाग मैं नहीं तुम हो विजय। मैं तुझे जान से मार दूंगा। क्यों रे, ये मुझे कातिल समझ रहा है? आज तक मरने के बाद वापस आया है क्या? सीमा तुम्हें नहीं ये बताओ कि तुम मुझे दफना कर यहाँ आई थी, फिर मेरे साथ इस पार्टी में आई थी? तुम बोलो ना सीमा, असलियत क्या है? हाँ हाँ डेफिनेटली, मैं और विक्टर एक साथ ही इस पार्टी में यहाँ आए थे। सीमा इसका विश्वास मत करो, ये इच्छाधारी है, कोई भी रूप धारण कर सकता, कोई भी भाषा बोल सकता, ये कभी भी किसी भी वक्त किसी का भी कत्ल कर सकता है। ये क्या हो रहा है? विक्टर तुम्हें नाक बोल रहा है, तुम उसे नाक बोल रहे हो, क्या हो रहा है ये? क्या तमाशा है ये? कोई तमाशा नहीं, हकीकत है। विजय ये साबित करना चाहता कि मैं तुम लोग का जानी दुश्मन हूँ, लेकिन मैं ये साबित कर दूंगा विजय हत्यारा नाक है। अगर तुम लोग को भरोसा नहीं है तो इस आईने के सामने ले चलो, क्योंकि इच्छाधारी नाक का अक्स आईने के सामने दिखाई नहीं पड़ता। छोड़ना नहीं इसे। वो अभी देख के आ रहा हूँ मैं। चलो चलो चलो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। विजय विजय तू सही कर रहा था। जाओ, आज तुम लोगों की नादानियों की वजह से वो भाग गया। आज अगर तुम लोग मेरा साथ देते तो मैं उसे यही जान से मार देता। रखो लाइट गई होगी। शमा, तुम्हारे परवाने का जाने का वक्त आ गया। शमा दोस्तों, मैं तुम्हें हंसाने के बजाय रुला कर जा रहा हूं, मुझे माफ कर देना। शमा का ख्याल रखना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। विक्टर और अब्दुल जैसे निर्दोष दोस्तों की मौत के बाद अब मुझे पूरा यकीन हो गया है, हम लोग सब के सब मारे जाएंगे। Everyone will be killed। विवेक बिल्कुल ठीक कह रहा है, वो कोई ऑर्डिनरी सांप नहीं है, ना ही दिव्या कोई आम लड़की। They are supernatural powers। What supernatural power? अगर वो supernatural power है तो इसका मतलब हम हाथ पे हाथ रख के बैठ रहे हैं। हाँ? अरे हम सब मिल जाए तो आराम से उसका मुकाबला कर सकते हैं। मगर सबसे पहले हम लोगों को यह पता कर लेना चाहिए कि उनके पास कैसी ताकत है, कौन सी ताकत है और कितनी ताकत है। पहली बार तुम लोगों की वजह से मैंने उसे छोड़ दिया था, लेकिन दोबारा अगर वो मेरे सामने आए ना तो सांप के बच्चे की दुम पकड़कर मैं उसे जमीन पर पटक पटक कर मार दूंगा। लेकिन वो हमारे हाथ आएगा कैसे? मैं बताता हूँ, वो लोग मौत से भी आगे जा चुके हैं, इसलिए तुम लोग उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सच तो यह है कि आज जहां हमारी साइंस खत्म होती है वहीं से इन ताकतों की शुरुआत होती है।
मैं पैरासाइकोलॉजी का प्रोफेसर हूं। अगर तुम वाकई इस प्रॉब्लम का हल चाहते हो तो आओ मेरे साथ। दिव्या देखो, हम यहां सब तुम्हारे दोस्त हैं, ये तुम्हारे साथी हैं। तुम जहां भी हो चली आओ दिव्या। आ जाओ दिव्या, आओ दिव्या, आओ, आ जाओ दिव्या। तुम लोगों ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? दिव्या, तुम्हारे गुनेगार राजेश और मदन थे, तुमने उनको मार डाला। अब्दुल और विक्टर का क्या कसूर था, उन्हें तुमने क्यों मारा? इनमें से कोई मासूम नहीं है, ये सब के सब मेरे बर्बादी के जिम्मेदार हैं। ये बार बार इल्जाम लगाकर तुम साबित क्या करना चाहती हो? क्या तुमने मुझे नागदा फोर्ट आने के लिए इन्वाइट नहीं किया था? हाँ किया था तो? और जब मैंने इनकार करने के लिए तुम्हें दोबारा फोन किया तब किस मुंह से कहा था कि अगर तुम साथ नहीं चलोगी तो प्रोग्राम कैंसिल? देखो, तुम्हारा ना मेरे घर कोई फोन आया था ना ही मेरी तुम्हारी कोई बातचीत हुई थी। अब तो विजय तुम भी यही कहोगे कि 11 बजे की जगह 10 बजे आने के लिए तुमने नहीं कहा था। लगता पागलपन में तुमने आत्महत्या की है, इसलिए तुम्हारे मन में जो कुछ भी आ रहा है तुम भगती जा रही हो। और अशोक तुम तो अपनी नई गाड़ी भेजने वाले थे मुझे लेने के लिए, क्या ये भी झूठ है? ये नई गाड़ी की कहानी तो मेरी समझ से बाहर है। सच तो ये है, उस दिन तुम सब ने मिलके एक प्लान बना के मुझे जान में फंसाया, आज फिर तुम सब मिलके मुझे झूठा साबित करना चाहते हो। किसी ने तुम्हारे खिलाफ कोई प्लान नहीं बनाया दिव्या, ये प्लान ये जाल ये सब तुम्हारे अपने दिमाग की उपज है। दिव्या अरे ये तो सोचो कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके किसी को क्या मिलेगा। हम लोग रिश्तों की इज्जत करना जानते हैं, इज्जत से खेलना नहीं। तुम लोगों के चिल्लाने से तुम्हारे गुनाह कम नहीं होंगे, याद रखना तुम सबको हम एक एक करके तड़पा तड़पा के मारेंगे। Now you go to hell. आत्मा क्या गोली से मरती है? अब मैं लाख चाहूंगा तब भी दिव्या को नहीं बुला सकता। So what, sir? मैंने कोई पाप नहीं किया, मेरा कोई कसूर नहीं है, और वैसे भी मैं ये आत्मा से नहीं डरता। सर, अतुल की बात से मुझे एक बात याद आई। आपको याद है पिछले साल एनुअल फंक्शन में राजेश ने अपने सारे दोस्तों की किस तरह मिमिक्री की थी? मुझे लगता है राजेश ने सबकी आवाजें निकालकर ये घिनौना खेल खेला होगा। सशी में भी राइट, क्योंकि मुझे याद है जब हम लोग बैठ के घर पे प्रोग्राम बना रहे थे उस टाइम राजेश किसी से बात कर रहा था, और मेरे पूछने पर मदन ने जवाब दिया था कि वो अपनी किसी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है और उसे मनाने की कोशिश कर रहा है। बल्कि प्रोग्राम के दिन दोनों में से किसी की भी गर्लफ्रेंड नहीं आई थी। मुझे यकीन हो गया है कि तुम लोग सभी बेकसूर हो। अब इन सब की जान आपके हाथ में है सर, इन सब को बचा लीजिए सर, प्लीज कुछ कीजिए सर। गॉड कैन सेव मी। आत्मा से बड़ी ताकत परमात्मा की होती है, वहीं से हर ताकत जन्म लेती है और वहीं पर जाकर खत्म होती है। जब तक ये लॉकेट तुम लोगों के गले में पड़ा रहेगा तब तक कोई भी नाग या इच्छाधारी सांप तुम लोगों का बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। सॉरी सर, मैं इन चीजों पे विश्वास नहीं रखता, प्लीज। अतुल सर, आप ये लॉकेट मुझे दीजिए। प्लीज अतुल, पहन लो ना इसे। जिस चीज को मैं जानता नहीं मानता नहीं फिर उसे अपने गले में डालकर जानवरों की तरह घंटी बांधकर क्यों घूमूं? Why? I don't believe all this. रुक जाओ ना प्लीज। प्यार का मतलब ये नहीं होता कि मैं तुम्हारी हर जिद पूरी करूं। मैं क्या तुम्हारा बुरा चाहती हूं अतुल? भगवान के लिए ना सही पर फैशन के लिए तो गले में डाल सकते हो ना। मैं ऐसी कोई चीज नहीं पहनूंगा जिसका ताल्लुक धर्म या भगवान से हो, बस। फिर आज मेरी भी जिद है, मैं ये लॉकेट तुम्हें पहना के रहूंगी। जिद करने से कुछ नहीं होगा, इसे गो बैक। आई विल नॉट गो फ्रॉम हियर। अतुल तुम नहीं जानते से तुम्हारी हिफाजत होगी। ये बेजान लॉकेट मेरी हिफाजत करेगा, मैं अपनी रक्षा खुद करना जानता हूँ, समझी? गो नाउ। मैं हर हालत में तुम्हें ये पहना के रहूंगी। नीता, पागल मत बनो तुम। छोड़ो छोड़ो नीता, पागल मत बनो तुम। जाओ, मैं नहीं पहनूंगा इसे।
नहीं विश्वास करता इन चीजों पे। मत करो नीता। प्लीज अगर मत बोलो।